राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल और इसका नामकरण है पैठना भागन बिघा रहुई नालंदा जिले में, और आज इसके उद्घाटन का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और आज के इस अवसर पर उपस्थित हमारे बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, नालंदा के प्रभारी मंत्री और माननीय मंत्री वित्त विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्रवण कुमार जी, नालंदा के माननीय सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार जी, हरनौत के माननीय विधायक हरिनारायण बाबू, अस्थावा के माननीय विधायक श्री जितेंद्र कुमार जी, राजगीर के माननीय विधायक कौशल किशोर जी, इस्लामपुर के माननीय विधायक राकेश कुमार रोशन जी, हिलसा के माननीय विधायक श्री कृष्ण मुरारी शरदपुर प्रेम मुखिया जी, यहाँ उपस्थित पूर्व विधायकगण श्री इंजीनियर सुनील कुमार जी, शक्ति यादव जी, चंद्रसेन जी, पूर्व विधान पार्षद हीराबिंद जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, और इस कार्यक्रम में मौजूद बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब अमीर सुहानी साहब, और यहाँ पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय सदस्य श्री मनीष कुमार वर्मा जी, स्वास्थ्य विभाग और पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री सैंथिल कुमार जी, सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव और नालंदा जिले के प्रभारी सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, पटना मंडल के आयुक्त कुमार रवि जी, पटना क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक श्री राकेश राठी जी, प्रबंध निदेशक बिहार राज्य चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड श्री दिनेश कुमार जी, नालंदा के डीएम श्री शशांक शुभंकर जी, नालंदा के एसपी श्री अशोक मिश्रा जी, राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पैठना भागन बिघा के प्राचार्य डॉक्टर रणधीर कुमार जी, और यहाँ पर दंत चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल इसके निर्माण के लिए जो जमीन देने वाले हैं सब लगभग 19.25 एकड़ से ज्यादा दे चुके हैं, और ये देने वाले सब पैठना के ही हैं पूरे तौर पर। पैठना से हमारा क्या रिश्ता है इसको बताने की जरूरत है। पैठना के लोग जितना हमको प्रेम करते रहे हैं, तो मेरे मन में एक बात हुई, वहां के लोगों की इच्छा थी कि कुछ करवाइए और जगह करवा रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है। और उसके बाद आप सोच लीजिए कि दंत चिकित्सा अस्पताल का निर्माण, तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा काम करवाया गया है। तो उसके लिए जितने लोग इस गांव के हैं, अनेक लोग हैं, और एक तो 54 बीघा गांव की भी हैं श्रीमती चमेला देवी जी, उन्होंने दिया है, सुरेंद्र प्रसाद जी, वीरेंद्र कुमार जी, जितेंद्र कुमार जी, शंभू कुमार जी, अनेक लोगों ने कुल मिलाकर के दिया है। तो उन सब लोगों को विशेष तौर पर बधाई। और इस कार्यक्रम में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारीगण, चिकित्सकगण, सभी कर्मीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज खुशी की बात है। अब जिस तरह से आज इसका निर्माण हो गया, और बाकी जो हमारे इसके लिए जो प्रत्यय अमृत जी हैं, उन्होंने शुरू में ही बहुत सारी बातों की जानकारी दे दी, और फिर माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सब बातों को बता दिया,
कि कितना काम किया गया है और कितना काम किया जा रहा है, तो इन सब चीजों की जानकारी आपको दिया। और हमारे मन में तो एक बात थी कि आखिरकार क्या हम लोग कराए। अब आपको तो मालूम है कि कितना काम करवा चुके, तो सब जगह काम करवाए, नालंदा में देश पूरे बिहार में करवाए, नालंदा में भी अलग अलग जगहों पर बहुत सारा काम करवा दिए। तो एक हो गया कि भाई यहां पर भी होना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर जो हो गया यानी रफुई प्रखंड में, तो यहां पर जो हो गया कैसा सुंदर जगह है, जरा सोचिए किस जगह पर ये जमीन लेकर के किया जा रहा। अब देख लिए कैसे रोड हो रहा और मुख्य रूप से जो सड़क था वो कैसा बन रहा, फोड़ ले, आप देख रहे हैं कि कैसा सड़क है, इसके बगल से जा रहा। तो कोई भी आदमी अगर दंत चिकित्सा के लिए आएगा तो कहीं से भी आने में सुविधा होगी। अभी तो आपको बता दिया गया कि देश का एक खास है, बिहार का तो है ही, यानी इतना बढ़िया ये अस्पताल और हॉस्पिटल बन रहा है कि लोगों को अपने इलाज कराने में और पढ़ने के लिए भी कितनी सुविधा। और यहाँ पर सिर्फ वही नहीं, इसके अलावा एक हिस्सा अस्पताल का बनाया जा रहा कि अन्य प्रकार की किसी भी अनेक प्रकार की बीमारियां हो उसके इलाज के लिए भी लोग आएंगे और उसके लिए भी 100 बेड का कराया जा रहा। और सब लोग जो यहाँ पर आएंगे उनको सब तरह का इंतजाम और उसके लिए जितने डॉक्टर और दूसरे सब लोग रहेंगे दंत चिकित्सा के लिए भी और अन्य चिकित्सकों के लिए चिकित्सा के लिए भी, तो उन सब लोगों के रहने का इंतजाम एक एक चीज का काम किया जा रहा है। अब थोड़ा सा काम बचा है और उन्होंने आश्वस्त कर दिया है। अब पूछ लीजिए इनसे, प्रत्येक अमृत जी से, कि इनको मालूम होगा जब हम इधर से गुजरते रहे तब से हम कहते रहे कि भाई अभी काहे ऐसी स्थिति में, क्यों नहीं सुधर रहा, जब तक आप सुधारिएगा नहीं तब तक हमको यहाँ आने का मन नहीं करता। तो इसीलिए बराबर कहते रहे तो हो गया। इन्होंने कहा कि ना एकदम हो जाएगा, इसमें हम लोग पढ़ाई भी शुरू करा देंगे, इलाज भी शुरू करा देंगे। तो ये सब काम हो गया और बाकी काम भी इन्होंने कह दिया कि भाई अगले साल फरवरी तक या अप्रैल का मई तक हाँ तो जुलाई का लक्ष्य रखे हैं सात, तो 5 महीना में ही कर लेंगे। तो खैर कर लीजिए तेजी से जाते और काम तो शुरू करा दीजिए, जितना तेजी से जितना जल्दी बनाइएगा तो अच्छा लगेगा। और जो भी दंत चिकित्सा के जितने सब आ रहे हैं यहाँ पर, तो सब लोगों को तो हम कह ही दिए, ऐसे ही अपना आनंद लेने के लिए कह रहे थे कि जरा दांत दिखाइए, हम भी अपना दांत दिखा रहे हैं आपके दांत देखेंगे। तो हमको तो कभी मन करेगा तो हम अपना दांत दिखाने के लिए यही आवेंगे, अगर इलाज का जरूरत होगा तो हम यही आवेंगे। यह कह दिए है कि तेजी से अपना काम करिए, काहे कि हम तो जानते ही है कि हम एम्स में जा दिल्ली में है वहां जाते रहे हैं, तो लेकिन वहां पर भी जो दंत का इंतजाम है उसका जितना भी इंतजाम देखते हैं, अब अभी हमको देख करके कितना खुशी हुई, इतना वहां भी नहीं है जितना यहाँ पर व्यवस्था हो रही है, जान लीजिए। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए सब जगह से लोग आएंगे, तो जब बढ़िया से कराइएगा, जो जितने हैं यहाँ पर प्रिंसिपल साहब, हम तो यही कहेंगे कि जितना बढ़िया से कराइएगा उतना सब जगह से लोग आवेगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। और बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ डॉक्टर के रूप में, तो बड़ी खुशी की बात है, अब सब महिला सबको भी अपना इलाज कराने में आने में सुविधा होगी, सबको अच्छा लगेगा। तो इसीलिए खूब बढ़िया से काम करिएगा, मेरा एकदम खासियत रहा। और यहाँ पर तो बहुत चीज न करे भाई, यहाँ पर भी तो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनाए नालंदा में, इंजीनियरिंग कॉलेज, एक एक तरह का चीज बनवाया गया है, अनेक तरह के संस्थान बनाए गए हैं, सब कुछ किया गया है। लेकिन एक जो था ना यहाँ पर एक होना चाहिए जो कहीं नहीं था, डेंटल वाला, तो हुआ कि भाई दंत चिकित्सा के लिए यहाँ पर भी एक बन जाए, तो बन गया, तो बड़ी खुशी की बात है। और इसके लिए जितना भी काम करिएगा पूरा का पूरा जो है सारे तरह से सब तरह का काम होगा और लोग अपने इलाज के लिए
यहाँ पर आएंगे और किसी तरह की असुविधा नहीं, इसको पूरे तौर पर हर तरह से मेंटेन रखा जाएगा और साफ सफाई का प्रबंध किया जाएगा, किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए और लोग आएंगे अपना इलाज कराएंगे और दूसरे तरह के ट्रीटमेंट के लिए भी आएंगे, तो ये बहुत अच्छा होगा। और आप सब लोगों को तो मालूम ही है कि भाई कितना काम हम लोग करा दिए, हर तरह का हम लोग सारे तरफ का काम करवा रहे हैं, तो इसमें कहां पर कोई दिक्कत कोई कठिनाई हो रही है। हम लोग तो पूरे बिहार में कितना ज्यादा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनवा रहे, सब तरह से काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज कितना बनवा दिए, सब काम तो करते हैं। खैर उसके बारे में तो कहीं भी चर्चा होती है, इन बातों की तो हम चर्चा करते ही रहते हैं। अब कोरोना का दौर आया तो कोरोना के दौर में जितना ज्यादा ट्रीटमेंट आप भी जान लीजिए, आज भी रोज टेस्ट कराया जा रहा, आज जितना टेस्ट होता है कोरोना का भी हुआ, हाँ पहले कितना केंद्र से बोला जाता था, लेकिन अभी भी प्रतिदिन ये डिपार्टमेंट की तरफ से रिपोर्ट हमको रोज आती है। और आपको मालूम है कि 10 लाख की आबादी पर कितने लोगों का जांच किया गया, तो पूरे देश का एवरेज है 65 लाख, पहले 6,50,000 के करीब। और इतनी खुशी की बात है कि बिहार में टेस्ट हो गया 10 लाख में 8 लाख से भी ज्यादा टेस्ट करवाया है यहाँ पर, अफसोस नहीं है। और कोई पूरे इतना बड़ा बड़ा अमीर राज्य है और कोई दिल्ली वाला भी बोलता है अंतर तो कहा 50,000 रुपया, हम लोग शुरू से 4 लाख, अब भी जब जनता के दरबार में रहते हैं तो जरूर कोई आ जाता है कि हमारा छूट गया है। आज भी 5-6 लोग आए कि हमारा अभी तक नहीं हुआ, सबके लिए आज ही हो गया, यानी जहां का भी कोई बचा हुआ है उसके लिए भी हो जा रहा। तो हम लोग तो सब तरह का काम करते हैं, हर तरह के चीजों के इलाज का भी प्रबंध करते हैं, तो कोई चीज हम लोग छोड़ते तो है नहीं, तो हर तरह से सारा काम किया जाता है। और आप लोग तो है भाई रहने वाले नालंदा के, तो जितना काम किया गया, बोलिए सबसे पुराना यूनिवर्सिटी नालंदा ना था जी, अब उसी में हम लगा दिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी, हम तो कह राज्य सरकार से, तो उस समय की जो केंद्र सरकार थी उन लोगों में भी पूरा हुआ और स्वीकार कर लिया और उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी बना दिया, कितना बढ़िया से बन रहा। लेकिन अब जिनको दिल्ली में मौका मिला है, अब वो नालंदा यूनिवर्सिटी वैसा बनाएंगे, हम तो सब दिन कहते रहते कि भाई इसका मतलब क्या था, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हम लोगों ने बनाया है वो तो बनवाया है इसलिए कि दुनिया के अनेक राज्यों के लोग आकर के यहाँ पढ़ते थे, तो इसलिए हम लोग जो बनवा रहे हैं वो विशेष पढ़ाई के लिए, सामान्य की पढ़ाई के लिए नहीं है। और उससे जुड़े हुए जितना अगल बगल के जितने गांव हैं और वहां पर भी लोगों की सुविधा के लिए हम लोग व्यवस्था करने का है, तो लेकिन हमारा तो सब चल रहा था। अब आजकल क्या हम करेंगे, जब तक रहेंगे तब तक तो नहीं उम्मीद है, लेकिन जब इनसे मुक्ति मिलेगी तो नालंदा यूनिवर्सिटी भी खूब बढ़िया बनेगा, वैसा ही जैसा हम चाहते हैं। अब हम आज भी कहते रहते हैं करिए करिए, लेकिन अब देखिए कितना होता है, लेकिन खैर चलिए। और कितना ज्यादा हम लोगों ने जमीन उपलब्ध कराया है, कितना किस तरह से काम किया, तो कौन सा काम नहीं कर रहे हम लोग जरा बताइए, तो इस जिले के लिए तो कितना काम हुआ है, राजगीर का कितना बड़ा महत्व है बोलिए। तो हर तरह के महत्व के लिए जितना भी चीज है तो एक एक तरह का काम हम लोगों ने करवा दिया है। अब आप सबको मालूम है कि कितना ज्यादा हम लोगों ने काम अनेक जगहों पर जो देखते हैं एक एक तरह का काम कर दिया है। अब आप जो देखते हैं यहाँ पर है, ताकि देख न रहे कि बेटा सरमेरा, जो पहले बताए कि बेटा सरमेरा सड़क हम लोग बनवा दिए बगल में, आइए तो बन ही रहा है, ये जो 4 लेन रोड बन रहा है नेशनल, तो कितना अच्छा, उसी में जो हमने सुझाव दिया कहाँ कहाँ एलिवेटेड बनेगा कहाँ क्या बनेगा, तो मेरी बात पहले मानी गई है उसी आधार पर बन रहा, तो कैसा सुंदर एकदम बिल्कुल होगा, लोगों को आने जाने में कितनी सहूलियत होगी। तो हर तरह का हम लोग इंतजाम करवा रहे हैं। और उसके बाद तो राज्य सरकार की तरफ से और भी राजगीर जाने के लिए अभी जो रास्ता है 100 किलोमीटर का है, हमने उसके लिए एक प्रोग्राम बना करके दे दिया है इन लोगों को कि वो करिएगा तब पटना से
राजगीर आने में लगेगा आपको 80 किलोमीटर, तो उसके लिए भी सब कुछ बता दिए, सब सोच लीजिए। तो हर जगह तो जितना काम करना था उतना काम करा ही दिए और करा ही रहे हैं, और कितना हम चर्चा आपको खुदे राजगीर जाते ही लगाते हैं जी। आप चिंता मत करिएगा, हम राजगीर के लिए गंगा जल पहुंचाए, गया बोध गया आप अक्सर में नवादा में, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सब जगह पहुंचा दीजिए, कोई मतलब है? अरे वहां पर तो कितने लोग जाते हैं। आप 3 साल में जो राजगीर में होता है फंक्शन, तो माना जाता है कि जो 33 करोड़ देवी देवता वो सब के सब वहां 1 महीना आते हैं, ये माना जाता है। राजगीर का कितना बड़ा महत्व, राजगीर का तो बहुत बड़ा महत्व, इसी को देख करके और कोई दिक्कत नहीं, तो उसी के लिए ना हम लोग करवाए जी। आ गया बोध गया का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है बोलिए, और बगल में वहीं से सारा काम हो रहा, तो उनको भी नवादा वगैरह को भी कोई दिक्कत नहीं हो। तो एक एक तरह से हर तरह से इंतजाम हम लोग करवा रहे हैं, तो हर तरह से सब तरह की सुविधा वहां। अब जाइएगा वहां तो एक एक चीज को देखने में सुविधा, और आप जान लीजिए कि अब ये जो बन रहा है जितना जगह का कितना सुंदर जो बन गया है, और एक एक तरह का चीज, तो लोगों को काफी सहूलियत होगी, और यहाँ ट्रीटमेंट का भी काम होगा, हर तरह से लोगों को सुविधा होगी आने जाने में। और एक बात और हम बता देते हैं कि जितना भी सड़क बनवाए हम लोगों ने कह दिया, चाहे वो ग्रामीण सड़क हो या राज्य स्तर का जो भी सड़क बनाए, वो सब सड़क का मेंटेनेंस करके रखेंगे, पुल पुलिया का मेंटेनेंस करके रखेंगे, ऐसे ही छोड़ नहीं देंगे। इसलिए आप चिंता मत करिएगा, जितना बन गया है सबका मेंटेनेंस पूरे तौर पर होगा। हम तो जान रहे थे कि ताकि मेंटेनेंस कौन करेगा, फिर उसका टेंडर करके आप लाइएगा तो वो ठीक नहीं है। इसलिए हम डिपार्टमेंट में ही इंजीनियर और अन्य लोगों की संख्या को इतना बढ़ा देंगे कि विभाग का ही अफसर और कर्मचारी मेंटेनेंस का काम लगातार करेंगे। अरे पहले हम क्या बताएं, जब हमारा बख्तियारपुर में जन्म हुआ बच्चे थे तो सड़कवा कितना इंपॉर्टेंट, हम बचपन में देखते थे कि लोग उसका सफाई कर रहा, अब बाद में फिर नियम हो गया कि नहीं कोई साफ सफाई नहीं, अब उसके लिए भी कुछ करने के लिए उसका भी लोग टेंडर करके करते हैं, तब देखा कि ना ये सब बेकार चीजें, फिर करिए, तब करने लगे हैं लोग, शुरू कर दिए हैं, और उसके लिए सारा बेटी हो गया बहुत जल्दी, उसके लिए और बहाली होगी, और सरकार का जो खर्चा लग जाता है टेंडर करने में और जो लोगों को देने में, अब नहीं करेंगे, अब सब जगह अंदरूनी तौर पर लोग करेगा, और कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा, काम करने का मौका मिलेगा, तो ये सब भी काम हम लोग करवा रहे हैं। तो एक एक तरह का, इसलिए सब चिंता मत करिए। और दूसरी बात कहेंगे कि पूरे तौर पर जरा एक बात को ध्यान रखिए, नालंदा में ये जो आप लोग होता है, है? तो जला देते हैं, ये ठीक नहीं, ये बहुत गंदा चीज है, और अगर उसको जला दीजिएगा वो अच्छी बात नहीं है। आप जानते हैं उसी से माहौल बिगड़ता चला जा रहा है, इससे सब लोगों को कहिए, हमने तो डीएम को भी कहा है सब जगह देखते रहिए, लोगों को बताइए, ये कभी मत कहिए। अरे भाई अब हम इतना काम आपके लिए किए हैं और आप इतना हमको प्रेम किए हैं, मेरा ये वो बात नहीं मानिएगा, हम जो कह रहे हैं मत जलवाइए, सबको जरा प्रेरित करिएगा, ये अच्छा नहीं लगता। आप जानते हैं वो 4 जिला में शुरू हुआ था पहले से, अब उसके साथ अब पटना जिला नालंदा जिला में शुरू कर दिया। अरे भाई तो इतना ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं और बाकी जगह थोड़ा थोड़ा है, मत जलाइए, ठीक से ध्यान रखिए। जितने हमारे विधायक गण है सबसे हम अनुरोध करेंगे कि सब लोगों को हाथ जोड़कर कहीं जलाइए मत, जलाना बहुत खराब चीज है, तो इसीलिए इस बात पर ध्यान रखिएगा, बहुत गंदा चीज है, उसको करिएगा तो सब चीज खराब हो जाएगा। और हम लोग एक एक चीज कर रहे हैं, एक बात का हम जरूर अनुरोध करेंगे आज हम यहाँ पर कि कहीं कोई न करे, तो इसलिए एक बात
आप लोग मानिएगा कि नहीं मानिएगा, तो बताइए, जलाने वाला नहीं ना मान है, नहीं ना जलवाइएगा, हाथ उठा के बताइए। हाँ कम्बे लोग उठा रहे है, तो इसी में है कुछ जलाने वाले क्या है? एक बात बताइए, वो भी ठीक है। इसलिए अब हाथ सब लोग उठा लिए हैं, जा जा करके अपने अपने गांव और बगल बगल को आज मेरी बात सुन लिए हैं, तो लोगों को जरा समझाइएगा भाई कौन सलाह दे देता है, गंदा सलाह दे रहा। आपको पता है कि अभी आपको नहीं पता चल रहा, जब आगे होगा तो आपके यहाँ खेती बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, जरा इस बात को जान लीजिए। तो इसलिए एक एक बात का ध्यान देना है, और बाकी सबके लिए तो हम लोग कहीं न रहे जी, सब सिंचाई का प्रबंध, बिजली का, एक एक चीज हम लोग करवा रहे हैं, और अगले 2-3 साल के अंदर बाकी सब खेत तक हम लोग पानी पहुंचवा देंगे, लोगों को सिंचाई के लिए कोई दिक्कत नहीं, सब तरह का इंतजाम हम लोग करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए उस सब पर जरा इतना फर्क खाली हम लोग कहना चाहते थे कि अच्छा आपके इलाज के लिए हम इंतजाम कर रहे हैं, तो अपने को बीमार करने के लिए काहे इंतजाम कर रहे हैं। जलाना कल होकर के बीमारी के लिए, और दारू पीना भी कल होकर के बर्बाद होने के लिए। तो कुछ अभी भी देखते हैं इधर उधर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला आदमी है, तो जरा सबको समझाइए कि बहुत बुरी चीज है, वो आदमी को बर्बाद कर देता है, इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो इन सब चीजों पर खाली मेरा कहना है भाई, हम विकास का काम करवा रहे हैं, और अब आप समझ लीजिए जो हमारे तेजस्वी जी हैं, अब इनको हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ा करके, और आगे हमको तो जितना करना था पर अभी सबसे आगे और हमको करना, तो आगे करवाना है, तो सब कुछ करवाएंगे, सब कुछ को एक एक बात समझ रहे हैं, और एक एक बात को देख रहे हैं, और एक एक काम करने की कोशिश सब लोग कर रहे हैं, हमारे अधिकारी दल भी सब ठीक से काम कर रहे हैं, सब तरह की सुविधा है, सबको है, लेकिन अब इन सब चीजों पर जरा ध्यान रखिएगा कि हमको तो जितना सेवा करना था, मेरा बतवा जरूर मान लीजिएगा, काहे कि मेरी राय नहीं है, हम जो भी कर रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू की बात जो है उसी को ध्यान में रख करके ही हम एक एक काम को करवाए हैं और आगे बढ़वाए, तो याद रखिएगा। इसलिए इन सब चीजों पर ध्यान रखना है, और समाज में आपस में झगड़ा नहीं करना। तो हम तो सब दिन तक कहते हैं जी, अभी हाले घूम घाम करके गए हैं, जितना था सब जगह ने कहे कि आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखिए, कभी भी मत झगड़ा करिए। तो ये सब पहले कितना होता था, तब मेरी बात माने नहीं तो कितना झंझट होता था जी, हिंदू मुस्लिम का भी कितना झंझट होता था, लेकिन सब आप लोग मेरी बात माने हैं, धीरे धीरे खत्म हुआ, अब फिर कोई ना कोई झंझट कराना चाहे आप जान लीजिए। अब कुछ लोग लगेगा फिर बाएं दाएं करने में, इधर उधर झंझट करने की कोशिश करेगा, तो जरा पूरा तौर पर अलर्ट रहिएगा, कभी झंझट मत करने दीजिएगा किसी, और आपस में जब प्रेम और भाईचारे का भाव रहेगा तो कितना आगे बढ़ रहा है, कितना आगे आप बढ़ रहे हैं, अब देख लीजिए। और कोई तरह की जो कमी हम कहीं भी जाते हैं सब जगह कहते हैं कि आप ये बनाइए, अभी सब आपको अधिकारी गण और नेता गण कह देंगे कि चीज को देख रहे हैं, इसलिए हम तो भाई करते रहे, और आप लोगों ने हमको यहाँ पर आए हैं तो हमको MLA तो आप ही ना बनाए जी, कितना दिन हमको MP बनाते रहे, तो सब कुछ किए हैं काम, अब तो हम सेवा कर रहे हैं, तो आपने जो हमको बनाया, हमको अवसर दिया, तो हम तो घूम घाम रहे थे ना, और जब हम 85 में बने तो सब जगह घूमते रहते थे, और हमको पार्टी का लोग कह रहा था कि आप पटिया में अभी काम करिए, तो हम करते ही नहीं, हम थे ना भाई पहले पार्टी का काम करते थे, हम दोबारा हार गए थे, इस बार हम जीते हैं, हम खाली क्षेत्र में घूमे, और आप समझ लीजिए कि जितना इसके लिए जा रहे थे नेता, तो हम तैयार ही नहीं हो रहे थे, लेकिन इसी इलाके में आप ही के और आगे उस साइड में हम जो रोज घूमते रहते थे, हम कहे क्या ही रोज घूमते रहते हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए, खाली क्षेत्रमा में घूमते रहते हैं, हम लोग तो सब दिन आपको मदद करने करेंगे, और उसके बाद हम मान लिए उनकी बात को, उसके बाद बात मान लिए,
और तब उसके बाद से आप सोच लीजिए आगे काम करते रहे और जितना संभव था उतना हम सेवा किए। तब तो हमारा एक बात मानिए, आप लोग तो इतना कर ही रहे हैं, इतना तो हम लोग कर ही रहे, और जो बाकी भी कुछ भी होगा आपको आगे भी, तो तेजस्वी जी पूरा काम को करते रहेंगे और करवाते रहेंगे, कोई दिक्कत उत्तर नहीं आएगी। इसलिए बहुत लोग आपस में फिर झंझट कराना चाहे मत, किसी के बात में झंझट करिएगा, आपस में एकजुटता रखना चाहे, सबको मिल करके एक साथ से काम करना है और कहीं कोई किसी तरह का आपस में विवाद नहीं करना है। इसलिए हम यही आप सबसे अनुरोध करेंगे, आप सबसे प्रार्थना करेंगे, और ये इतना अच्छा हो गया है कि अभी तो लोग बता ही दी है कि तब भाई हो जाएगा ना, तो कब हम आवेंगे यहाँ, आवेंगे ना, तो कुछ अपना दांत दिखाने हम कब आवेंगे, जल्दी बताइए, हम भी आवेंगे अपना, बोलिए बोलिए तेजी से कराइए। करता हूं